Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Cricket match ke wale se aapko update kar rahe hain. Wellington mein ja rahe New Zealand ne Pakistan ke khilaf pehla one day 61 run se jeet liya hai. New Zealand ne Guptill and Munro system ke tahat kamyabi hasil ki hai. Barish ke baaye se ruka hua match dobara shuru na ho saka. New Zealand ko 5 matches ki series mein 1-0 ki badhtari hasil ho gayi hai. Aapko update kar rahe hain New Zealand ne Pakistan ke khilaf pehla one day 61 run se jeet liya hai. न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत कामयाबी हासिल की है. बारिश के बायस रुका हुआ मैच दोबारा शुरू ना हो सका. न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है. वेलिंगटन में जारी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 61 रन से फतह हासिल कर ली है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन खेले जा रहे पहले वनडे में कीवीज ने पाकिस्तान को 316 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार नजर आई और कीवीज बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए. पाकिस्तानी की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 166 रन ही बना पाई और उसके बाद बारिश होगी और मैच को रोकना पड़ा. डकवर्थ लुईस मेथड के तहत न्यूजीलैंड ने फतह हासिल कर ली है. आपको अपडेट करें कि मैच के आगाज पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी थी, लेकिन अब यह मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे 61 रन से जीत लिया है. न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत कामयाबी हासिल की है. मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन आसिफ खान से. आसिफ खान, बताइएगा इस मैच के हवाले से. देखिए, आप जैसे आपने अपडेट किया, मैच शुरू हुआ था, पाकिस्तान की इनिंग जब शुरू हुई तो पाकिस्तान की पोजीशन आपके सामने थी. पाकिस्तान के सिवाय फकर जमान के कोई भी बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर के हैं वो टिक नहीं सके विकेट पे. फकर जमान ने 82 रन स्कोर किए, नॉट आउट हो रहे, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद खेल शुरू नहीं हो सका. पाकिस्तान को इस मौके पर 227 रन पाकिस्तान के अगर होते तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत, लेकिन वो 227 रन पर तो पाकिस्तान बहुत दूर था. 166 रन पाकिस्तान का स्कोर था. तो ये मैच का फैसला डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान के हक में नहीं हुआ और अब दूसरा वनडे मैच 3 की रात को खेला जाएगा. इसी टाइम 3 बजे मेलबर्न में वो मैच होगा. तो पाकिस्तान ने तीनों शोबों में कहूँगा कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी नहीं रही. बॉलिंग में तमाम ही बॉलर्स ने 6 से ऊपर रन दिए हैं. 6.8 जो औसत है 3 ओवर की, उस पर रन दिए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बॉलिंग में. फील्डिंग में पाकिस्तान के लैपसेज देखने में आए, जिससे सेंचुरी स्कोर की केन विलियमसन ने, उनका कैच ड्रॉप किया था सरफराज अहमद ने जब वो 22 के स्कोर पर थे, तो वो बहुत कॉस्टली रहा. शुरू में मनरो की और मार्टिन गप्पल की जो पार्टनरशिप थी 83 रन की, वो पाकिस्तान को बहुत कॉस्ट किया और बिल्कुल आखिर के ओवर में निकोलस और विलियमसन की बहुत तेज रफ्तार पार्टनरशिप हुई है. निकोलस को 50 रन किए, उन्होंने 50 स्कोर की और उसके अलावा मनरो ने भी 50 स्कोर की. तो बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की. पाकिस्तान वहीं से मैच से तकरीबन काफी हद तक बाहर हो गया था, जब 316 रन का हदफ लगा पाकिस्तान को. अभी पाकिस्तान की बैटिंग में एक ही बात दिख रहे, पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए. अजहर अली बहुत कम 6 रन पर अगर आउट हुए. उनके बाद अगली भी गेंद पर बाबर आजम 6 रन ना बना सके, हफीज ने 1 रन बनाया. तो मलिक कुछ देर विकेट पर थे वो भी, लेकिन जब पूरी आपकी जो टीम है बैटिंग की वो जब चली गई तो उसके बाद से पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल ही गया था. तो बहरहाल अब पहले मैच में न्यूजीलैंड की कामयाबी और सीरीज 5 मैचेस की है, तो अब भी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा रूम मौजूद है वापसी का, लेकिन अपनी जो गलतियां हैं आज की उनको ठीक करना होगा. और मंगल वेलिंगटन में जारी पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन से फतह हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत कामयाबी हासिल की. अपडेट कर रहे थे आसिफ खान, बहुत शुक्रिया आपका.